आज का राशिफल दी 8th of June 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 8 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि शनिवार दोपहर बाद 3:57 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज 8 जून 2024 को शाम 7:43 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:09 से 5:22 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:24 में और सूर्यास्त शाम 6:43 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृतकाल आज सुबह 6:02 से सुबह 7:55 तक है। आज शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है, साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं: स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है: 1. स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। 2. पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगा जल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। 4. पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। 5. मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्रां प्री प्रौं सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। 6. आरती। शनिदेव की आरती करें। 7. प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंग बली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं।
एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप, ओम नमो हनुमते रुद्राय, मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर, शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 8 जून के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि लोगों के लिए बेहद व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है। आपके सामने रोजमर्रा के कार्यों का ढेर लगेगा, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह मेहनत न केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता में भी बदल देगी। इसलिए यदि आप अपने काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति के विवाद में उलझे हुए हैं तो आज का दिन उस समस्या के समाधान का दिन हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपको राहत मिल सकती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। टीम वर्क की भावना को मजबूत बनाते हुए आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। उनके समर्थन से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी क्षमताओं को और अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे। हालांकि कुछ कार्यों के पूरे न हो पाने से आपका मन थोड़ी देर के लिए उदास हो सकता है। यह अस्थायी निराशा आपके संकल्प और दृढ़ता को प्रभावित नहीं करेगी। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और इस बात को समझना होगा कि हर कार्य को पूर्ण करने में समय लगता है। धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। नवविवाहित जातकों के जीवन में आज खुशखबरी मिल सकती है। किसी नए मेहमान की दस्तक से उनके जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। ये समय उनके पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। आज आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कुछ पारिवारिक समस्याओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। संयुक्त प्रयास और सहयोग से आप इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समन्वय बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक संबंध और भी मजबूत होंगे। इस प्रकार आज का दिन आपको विभिन्न क्षेत्रों में मेहनत, संवाद और सहयोग की आवश्यकता होगी। इन गुणों के सहारे आप अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। लाल रंग की पोशाक पहने। आज के दिन मेष राशि के जातकों को लाल रंग की पोशाक पहनने की सिफारिश की जाती है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसका धारणा करने से आपके मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता बढ़ती है। बजरंगबली की पूजा करें। सुबह स्नान के बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करते समय ध्यान में उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें और उन्हें अपने मन की बातें बताएं। लाल मसूर की दाल का प्रवाहन। पूजा के अंत में लाल मसूर की दाल को प्रवाहित करने का उपाय किया जा सकता है। इसे नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष, कुटुंबिक विवाद और बिगड़े हुए कामों में सुधार होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अनुसार विधिवत और श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए एक नए काम को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। नई शुरुआत से जुड़े कार्यों में आज आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी नई योजनाएं और विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति करेंगे।
हालांकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर आज आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और नियमित चेकअप कराते रहें। सही खानपान और जीवन शैली में सुधार के जरिए आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और समय पर उचित उपचार लें। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप कुछ महत्वपूर्ण कामों को लेकर योजना बना सकते हैं। पारिवारिक सहयोग और समझदारी से आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। परिवार का सहयोग आपको मानसिक संतुलन और खुशी प्रदान करेगा। ये समय आपके पारिवारिक रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। किसी संपत्ति से संबंधित मामले में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। संपत्ति से जुड़े किसी भी दस्तावेज को ठीक से पढ़ें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि से बचें। संपत्ति से जुड़े मामलों में धोखे की संभावना हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और हर कदम सावधानीपूर्वक उठाएं। परिवार में यदि कोई सदस्य विवाह योग्य है तो आज उनकी विवाह की तलाश पूरी हो सकती है। उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना है। इस खबर से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और सभी सदस्य खुशियों में सराबोर रहेंगे। विवाह की तैयारी और उत्सव की चर्चा से घर में उल्लास का माहौल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपका कोई कानूनी मामला भी आज सुलझता दिख रहा है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में आज आपको राहत मिल सकती है। न्यायपालिका से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे आपके मन में शांति और संतोष का भाव जागृत होगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए नए काम की शुरुआत, पारिवारिक सहयोग और कानूनी मामलों में सफलता का दिन है। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए और सतर्कता बरतते हुए आप अपने दिन को सुखद और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से धन की प्राप्ति होती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर चुनते समय एक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त समय पूजा करें। मंदिर में पहुंचकर सिंदूर और चमेली का तेल के एक छोटे पात्र में धारित करें। फिर एक चोला लेकर हनुमान जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर धारित पात्र को दान करें। धन प्राप्ति की आशा। इस उपाय के द्वारा वृषभ राशि के जातक धन की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। हनुमान जी को ये समर्पित करते समय धन की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि की कामना करें। यह उपाय विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए संगठित किया गया है, ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल सके। इसे नियमित रूप से करके वे धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। जिन कार्यों को आप विभिन्न कारणों से टालते आ रहे थे, उन्हें आज पूरा करने का सही समय है। आपका दृढ़ निश्चय और समर्पण आपको इन कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद करेगा। आपका प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आज साकार हो सकता है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आज वह सौदा आपके पक्ष में हो सकता है। ये संपत्ति निवेश के रूप में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगी। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर पूरा ध्यान देंगे। नई योजनाएं और विचार आपके मन में आएंगे, जिनसे आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस दिशा में उठाए गए कदम भविष्य में आपके आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करेंगे। आज आप अपनी संतान को किसी एक्टिविटी में हिस्सा दिला सकते हैं। यह एक्टिविटी उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लाभदायक रहेगी। बच्चों के साथ समय बिताना और उनके विकास में योगदान देना आपके पारिवारिक जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। यदि कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती हुई थी, तो उसके लिए आपको अपने अधिकारियों से माफी मांगनी पड़ सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना आपके पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारीगण आपकी ईमानदारी और सुधार के प्रयासों की सराहना करेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल बनाएगी। बच्चों की सफलता और खुशियां आपको गर्व और संतोष का अनुभव कराएंगी। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए कार्यों की पूर्ति, संपत्ति की प्राप्ति, आय वृद्धि के नए स्रोत, संतान के विकास में सहभागिता और पेशेवर क्षेत्र में सुधार का है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 13। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से करियर में सफलता मिल सकती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको भगवान शिव को एक बेलपत्र और एक धतूरे के फल का अर्पण करना होगा। इसे करने से पहले आपको शुद्धि और भक्ति के साथ ध्यान करना चाहिए। धतूरे के फल को स्पर्श करने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप ये कौन सी मनोकामना कर रहे हैं और क्यों। उसके बाद 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। फिर आपको भगवान शिव से परमिशन लेकर उसी धतूरे के फल को शिवलिंग से उठाना होगा। इससे आपका उपाय संपूर्ण होता है और आपके प्रयासों को शिव की कृपा मिलती है। अंत में उसी धतूरे के फल को एक लाल रंग की शालू में बांधकर आपके कमरे की दीवार में झूला के रखें। यह आपके करियर में सफलता के लिए अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस उपाय को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने से वृषभ राशि के जातक अपने करियर में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय समृद्धि और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। 7 दिन में 7 धतूरे का फल आप झुलाए, 7 दिन में आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी और सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का फल आपको प्रमोशन के रूप में मिल सकता है। प्रमोशन के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की संभावना भी बन सकती है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे। परिवार के संदर्भ में आपको अपने पिताजी के शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज करने से बचना होगा। उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। आपका ध्यान और देखभाल उन्हें राहत प्रदान करेगी और परिवार में स्नेह और समर्थन का वातावरण बनाएगी। कार्यस्थल पर किसी की कही सुनी बातों में न आए। किसी भी निर्णय को सुनने या गॉसिप पर आधारित न करें, बल्कि अपनी समझ और विश्लेषण का प्रयोग करें। इससे आप किसी भी अनावश्यक विवाद से बच सकेंगे और अपनी कार्यक्षमता को सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे। आप आज अपने धर्म का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएंगे। ये दान और सेवा आपके मन को संतोष और शांति प्रदान करेगा। समाज सेवा और परोपकार से आपका आत्मबल बढ़ेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। नए अवसर और संभावनाएं आपके सामने आएंगी, जो आपके करियर और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि आप अपनी कुछ पुरानी गलतियों को लेकर परेशान रह सकते हैं। इन गलतियों से सीख लेना और उन्हें सुधारना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, न कि उनके बारे में अत्यधिक चिंता करना। घूमने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके काम या व्यक्तिगत जीवन में लाभकारी साबित हो सकती है। इसलिए अपने चारों ओर हो रही घटनाओं पर ध्यान दें और किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को अनदेखा न करें। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए व्यावसायिक सफलता, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक सेवा और आत्मविकास का है। इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाकर आप अपने दिन को सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है, जिससे उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर या उनकी मूर्ति का चयन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के द्वारा आप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के दौरान अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को स्थापित करें। आपके मन में पूज्य हनुमान जी की प्रतिष्ठा और प्रेम का भाव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होना चाहिए। पाठ के दौरान आप सभी अपने कष्टों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी आपके दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रह सकता है।
कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में अड़चने डालने का प्रयास करेंगे, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा और अपने काम पर पूरी एकाग्रता रखनी होगी। आप अपनी संतान की किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। उनकी पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में आ रही किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको समय देना होगा और उनके साथ संवाद करना होगा। संतान के साथ समय बिताकर उनकी चिंताओं को समझना और उन्हें समर्थन देना जरूरी है। व्यवसाय में यदि आपने किसी को पार्टनर बनाया है तो सतर्क रहें। पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, इसलिए सभी व्यापारिक निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ें। आपको अपने किसी मित्र से धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और यह उधार आपको आसानी से मिल जाएगा। मित्र की सहायता से आपकी वित्तीय समस्याएं कुछ हद तक हल हो सकती हैं, लेकिन उधार लेते समय और उसे वापस करने के समय का ध्यान रखें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। यह उपहार आपके लिए खुशियों का स्रोत बनेगा और परिवार के साथ आपके संबंधों को और भी मधुर बनाएगा। परिवार के सदस्यों का स्नेह और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी दी गई सलाह आपके बॉस के बहुत काम आएगी। आपकी विचारशीलता और ज्ञान की सराहना होगी और इससे आपके पेशेवर संबंध और भी मजबूत होंगे। आपकी सलाह से बॉस को किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मदद मिल सकती है, जिससे आपको सम्मान और पहचान मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय सिंह राशि के लिए ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के रामायण पढ़ते हुए स्वरूप का चित्र लगाना है। हनुमान जी रामायण में विशेष भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं और उनके स्मरण से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपको हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक स्वास्थ्य धन और ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक होता है और इसका जलना ज्ञान की दीप्ति और प्रकाश को बढ़ाता है। उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। गुड़ हनुमान जी की प्रिय भोग माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय है। गुड़ का भोग उनके प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। फिर शिक्षा विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान का विस्तार होने की कामना करें। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक करने का है। आपको परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने नए विचारों और योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाएंगे। परिवार का समर्थन आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी प्रेरित महसूस करेंगे। आप आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। इस धार्मिक आयोजन से आपको आध्यात्मिक शांति और संतोष प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह अवसर आपको अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का भी मौका देगा। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। मित्रों के साथ बिताया गया समय न केवल आपको ताजगी और खुशी प्रदान करेगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों के साथ साझा किए गए ये पल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे। यदि आपने किसी सरकारी योजना में धन का निवेश किया था तो आज उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यह आर्थिक लाभ आपकी वित्तीय स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा और आपको भविष्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा। परिवार में किसी सदस्य को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आपकी सलाह और मार्गदर्शन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और वे इसे अपने जीवन में लागू करके लाभान्वित होंगे। यह आपके पारिवारिक संबंधों को और भी मधुर बनाएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों और आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपका सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठान और भी मजबूत होगा। सम्मान और प्रतिष्ठा का ये बढ़ावा आपको और भी प्रेरित करेगा। आपका किसी नए घर या मकान आदि को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप लंबे समय से इस योजना पर काम कर रहे थे तो आज वह दिन है जब आपका ये सपना साकार हो सकता है।
नए घर का सपना पूरा होना आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और संतोष का कारण बनेगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। तुला राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर और शुभ रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये धन लाभ आपकी योजनाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा और आपको वित्तीय स्थायित्व प्रदान करेगा। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से चल रहा था तो उसमें आज आपको जीत मिलने की संभावना है। ये जीत न केवल आपकी कानूनी परेशानियों को समाप्त करेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। हालांकि परिवार में भाई बहनों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन विवादों को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। आपसी संवाद और समाधान के माध्यम से आप इन पारिवारिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। आज किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नए काम और परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए ये समय उत्तम है। व्यवसाय में आप कुछ नए बदलाव करेंगे जो आपके व्यवसाय को नई दिशा और गति प्रदान करेंगे। इन बदलावों से व्यवसाय में उन्नति और प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने कामों के साथ साथ अपने रूटीन को भी बेहतर बनाए रखना चाहिए। नियमितता और अनुशासन आपके कार्यों को अधिक प्रभावी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपनी दिनचर्या में सुधार लाकर आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और उन्हें अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। नए अवसर और संभावनाएं उनकी शिक्षा और करियर को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगी। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ, कानूनी मामलों में सफलता, पारिवारिक समझदारी, नए काम की शुरुआत, व्यवसायिक बदलाव और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर लेकर आएगा। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग गोल्डन। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का मंत्र है ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्त विघ्नों का नाश होता है। यहाँ नीचे गणेश जी की स्तुति का एक भाग दिया गया है जो आप आज के मंत्र के साथ पढ़ सकते हैं। गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस स्तुति का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे श्रद्धा पूर्वक और विनम्र भाव से पढ़ें। गणेश जी को स्तुति करने से हमें बुद्धि, बल और सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साथ हरी वस्तुओं का दान करने से हम अपने धन संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं और समृद्धि को बढ़ाते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। दिन की शुरुआत कुछ चुनौतियों और मिश्रित अनुभवों के साथ हो सकती है लेकिन अंततः आप दिन के अंत तक संतुलित और संतोषजनक महसूस करेंगे। आप अपने बिजनेस संबंधित यात्रा पर जा सकते हैं।
ये यात्रा आपके व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। यात्रा के दौरान आपको नई संभावनाएं और अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान वाहनों का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह की लापरवाही से बचे और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। आपने यदि पहले किसी से कोई वादा किया था तो उसे आज अवश्य पूरा करें। वादों को निभाने से आपके रिश्तों में विश्वास और मजबूती बनी रहेगी। यह आपकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। आपके पिताजी की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है। इस स्थिति में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समझौते से आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करें। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। इससे आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं। अपने इरादों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। इससे आपके सहकर्मी और सहयोगी आपके प्रयासों को सही दृष्टिकोण से समझ सकेंगे। बिजनेस कर रहे लोग किसी को धन उधार देने से बचें। धन उधार देने में समस्या हो सकती है और वापस पाने में कठिनाई आ सकती है। वित्तीय मामलों में सतर्कता और सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन को सोच समझ कर करें। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा। बिजनेस यात्रा, वादों को निभाना, पारिवारिक समझदारी, कार्यक्षेत्र में स्पष्टता और वित्तीय सतर्कता पर ध्यान देकर आप अपने दिन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान के उद्देश्य एक दिया जलाना। हनुमान जी को दीप जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जातक को संकटों से मुक्ति मिलती है। 1. हनुमान जी को लड्डू खिलाना। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। उन्हें लड्डू भोग के रूप में अर्पित करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। 2. कर्पूर से आरती करना। पूजा के बाद हनुमान जी को कर्पूर से आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 3. मंत्र जाप, जय श्री राम, पूजा के बाद 108 बार जय श्री राम का जप करें। ये भगवान राम की प्रशंसा में होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 4. हनुमान यंत्र बनाना। मनोकामना बोलकर कागज को मोड़कर भगवान हनुमान के ऊपर रखें। इससे जातक की मनोकामना पूरी हो सकती है। 5. काली उड़द दान। आज काली उड़द दान करें। ये भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से वृश्चिक राशि के जातक को भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। धनु राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। बिजनेस के कामों में अनुदेश की कमी और तनाव बना रहेगा। इस समय में संयमित और विचारशीलता से काम करना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना होगा ताकि आप अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रख सके। परिवार में किसी विपरीत परिस्थिति में आपको शुभ सूचना मिल सकती है जो आपके लिए राहत का कारण बन सकती है। परिवार के सदस्यों का साथ आपके लिए मानसिक सहारा होगा और उनका समर्थन आपको समस्याओं का सामना करने में मदद करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है और आपको अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का अवसर मिल सकता है। इस समय में अपनी संतान की संगति का विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा ताकि उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों को भौतिक और मानसिक छुटकारा मिलता दिख रहा है जो उन्हें अध्ययन में अधिक सकारात्मक और प्रभावशाली बनाएगा। यह उनकी अध्ययन सामर्थ्य को बढ़ाएगा और उनके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ाएगा। अंत में ये सुनिश्चित करें कि आप अपने धनु राशि के लोगों के साथ संवाद और समझौतों में संतुलित रहें ताकि आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान समृद्ध हो सके। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को पूजन से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पूजा विधि 1। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2. फिर पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम और नारियल आदि को संग्रहित करें। 3.
पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। 4. उपरोक्त उपाय के अनुसार पीपल के 16 पत्तों पर जय श्री राम का लिखन करें। इसके बाद उन्हें हनुमान जी के हृदय स्थान पर रखें। 5. अंत में हनुमान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें अर्पित करें। 6. पूजा के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्र: ओम नमो हनुमते रुद्राय महाबलाय नमो नमः आनजनेय महावीराय सर्वशक्तिशिराय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय का नियमित अनुसरण करने से आपकी लाइफ में चमक और सफलता की किरणें बिखरेंगी। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न होरोस्कोप। मकर राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। अपनी आहार और व्यायाम पर विशेष ध्यान दें और नियमित चेकअप कराएं। आपको कोई बड़ा काम हाथ में मिलने से आपको व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको अपने कामों में ढील ना दें और जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। अपने काम में संवेदनशीलता और उत्साह बनाए रखें ताकि आपको सफलता मिल सके। परिवार के सदस्यों को लेकर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं जो आपके परिवार के बंधुत्व को मजबूत करेगा। आप अपनी संतान के लिए किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं जो उनकी सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाएगा। इससे उन्हें आपके प्रति आत्मविश्वास और समर्थन मिलेगा। अंत में ये सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें और अपने कार्यों में संजयता और प्रतिबद्धता दिखाएं। धैर्य और समर्थन के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र भगवान गणेश को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों एवं विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा विधि 1. सबसे पहले शुद्ध बुद्धि और श्रद्धा के साथ एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। 2. ध्यान में गणेश भगवान की उपस्थिति को स्मरण करे। 3. फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करे। 4. स्तोत्र के पाठ के बाद भगवान गणेश को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अर्पित करें। 5. अन्य गणपति देव की पूजा करें और मन में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करें। गणेश मंत्र: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से संकटों का नाश होता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस होरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सोचे समझे कामों को करने के लिए रहेगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने कामों को समय पर पूरा करें और उन्हें समाप्त करें। मौसम के विपरीत प्रभाव से आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें और अपनी देखभाल करें। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, जिससे आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है यदि आपने पहले धन लगाया है। अपने निवेशों का ध्यान रखें और उन्हें नियमित रूप से मॉनिटर करें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जो आपके मन को आनंदित करेगी। अपने माताजी के साथ किए गए वादे को पूरा करें और उनकी खुशी के लिए अपना समर्थन दें। नौकरी में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। अंत में ये सुनिश्चित करें कि आप अपने कामों में समर्थ, संजयता और उत्साह से लगे रहें। आपकी मेहनत और निष्ठा से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग भूरा। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दुर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आपको इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं।
यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए एक सोमवार से अगले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। अपने मित्रों के साथ कोई लेन देन करते समय संज्ञाना बनाए रखें, क्योंकि आपको किसी अनुबंध में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से काम करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी डील या समझौता आपके हाथ से निकल सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। अपने विकल्पों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे निर्णय लें। आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या होने के कारण आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक इलाज करवाएं। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है, इसलिए समझदारी से और संवेदनशीलता के साथ इसे हल करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और लिखाई में समर्थ और उत्साही रहना होगा। उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर प्रत्युत्तेजित रहना चाहिए और अपनी मेहनत और ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय कुछ इस प्रकार है। 1. भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहनना। आज के दिन आपको पीले रंग की पोशाक पहननी चाहिए, क्योंकि पीले रंग का अर्थ होता है ऊर्जा, आनंद और सफलता। 2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करना। आसन का लाल रंग आपकी आत्मा को ऊर्जित करेगा और आपको शक्ति देगा अपने कामों को सफल बनाने के लिए। 3. दूर्वा की अर्पण। आपको 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण करनी चाहिए, जो गणेश जी के प्रतीक होती है और आपके कार्यों को शुभ बनाने में मदद करती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना। मोदक मिठाई का अर्थ होता है सफलता और सुख। आपको इसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, ताकि वे आपके कार्यों में आपकी मदद कर सके। 5. कर्पूर से आरती करना। आपको कर्पूर से गणेश जी की आरती करनी चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। 6. ओम गम गणपतये नमः जाप। आपको 30 मिनट के लिए ओम गम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए, जो आपकी मन की शांति और सफलता में मदद करेगा। इन उपायों को आप अगले बुधवार तक करें और आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में सफल हो सकते हैं।